तो मेरे भाई लोग कैसे हो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसा कि तुम लोग जानते हो सीजन 12 जस्ट अभी हमारा चालू ही हुआ है, मतलब अभी तक 6 वीक भी नहीं खुला, अभी तो थर्ड वीक आज खुला हुआ है और सीजन 12 तो अभी चालू हुआ है भाई। और तुम्हारे भाई को मिल गया सीजन 13 के कुछ लीक्स, कुछ वीडियोस, कुछ इमोट्स जो कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। मतलब तुम लोग देख के थोड़ी हैरानी में हो जाओगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। जो भी पबजी का गेम का कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया। जैसा कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ट्रेलर देखा पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। सो वीडियो को पूरा देखो सपोर्ट के लिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक करो और भाई चैनल का मेरे कंटेंट पसंद आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ो। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करूँगा। सो जैसा तुम लोगों ने ट्रेलर देखा स्टार्टिंग में ही जो कि मैंने तुम लोगों को दिखाया, उसके कुछ आउटफिट्स देख लो भाई। ये इमोट देख लो, ये पूरा एक एंग्री इमोट है डॉग का, ये पूरा क्या इमोट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये इमोट। और ये पूरा एक इसी इमोट की वजह से ये ड्रेस को पूरा लेजेंड मिथिक, एक मिथिक आइटम बना दिया है इस ड्रेस। और वो डॉग के सर को जो बोले वो पूरा मिथिक आइटम बना दिया है जो कि है आर्म हाउंड। जो सेट है ये पूरे सेट को आर्म हाउंड सेट का नाम दिया हुआ है, ये काफ़ी ओपी सेट है। तुम लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे। और भाई ये कतई ओपी सेट है और हम लोग को आने वाला ये सीजन 13 में ये रॉयल पास में भी आ सकता है और क्रेट्स में भी आ सकता है। इसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं है कि किसमें आएगा। सेकेंड जो ये विकेंडी में गन है G36 जो ये गन है उसका स्किन आने वाला है ये कन्फर्म है। उसके बाद जो हेलमेट है, जो हेलमेट के कलर्स आने वाले हैं इसमें सीजन 13 में, वो हेलमेट देख लो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल का हेलमेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट जो आप देख रहे हो ये लेवल 1 का नॉर्मल हेलमेट है जो कि ऑब्वियसली सबको पता है ये नॉर्मल चलता है। ये सेकंड लेवल 2 का हेलमेट है जो कि थोड़ा सही लग रहा है, पर भाई इनका लेवल 3 का जो हेलमेट है ना वो कतई ओपी दिखता है। मतलब तुम ये लेवल 3 का हेलमेट देखो कतई। उसके बाद जो लेवल 3 का आप जो हेलमेट देख रहे हो उसके बाद भाई ये प्लेन का स्किन आने वाला है सीजन 13 में, ये भी एक कन्फर्म है कि ये सीजन 13 में आएगा ही, ये कन्फर्म है पूरा। और आप इसका एक फर्स्ट लुक देख लो ये कैसा आगे पीछे चारों साइड से कैसा दिख रहा है। ये प्लेन का भी स्किन काफ़ी ओपी है और इसमें भी इफेक्ट्स होने वाले, ये अभी नॉर्मल है, इसमें भी जैसे कि अभी हमें ब्लेड के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं नॉर्मल एयरप्लेन में। उसके बाद जो हमारे बैक के पीछे लटकता है क्या बोलते वो तो मुझे याद नहीं, पर भाई ये काफ़ी सही है। पर जी की यही चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि जो चीज़ निकालते हैं ना वो लोग ऐसा एनिमेट करते भाई कि कतिक पसंद आ जाती है वो चीज़। ये डॉग का देखो ये क्या लग रहा है, मतलब जब भी बैग के पीछे रखोगे ये हिलता रहेगा क्या दिख रहा है ये वाओ। उसके बाद जो तुम लोगों ने देखा रहेगा वीडियो में आगे एक कैट बैठी रहती है जिसके हाथ में टैब रहता है। सो ये उसका हेड है, आप उसका हेड देख लो एक बार। और उसका ड्रेस सेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसका ये पूरा ड्रेस सेट है, ये कुछ इस टाइप से दिखने वाला उसका ड्रेस सेट जो कि ये भी मुझे जैसा मुझे लग रहा है ये 100 RPs पे होंगे। ये 100 RP पे होगा सिलेक्शन के लिए कि आपको डॉग चाहिए कि आपको कैट चाहिए। उसके बाद ये पैराशूट देख लो, कंफर्म पैराशूट है ये आने वाला है, कंफर्म पैराशूट है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था पिछले ही कुछ महीनों पहले ये ड्रेस का सेट हमें देखने मिला था, ये सेट हमें रॉयल पास या क्रेट ओपनिंग में देखने मिला था जो कि बहुत लोगों को चाहिए था पर नहीं मिला। इसका हेलमेट बहुत लोगों ने ढूंढने का कोशिश किया था। उसके बाद ये इमोट है, ये इमोट है कतई ओपी है, जो बंदा नाचता है ना इसमें ये ए, 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 वाओ भाई क्या इमोट निकल के आ रहे यार गाइस। और ये इमोट शायद रॉयल पास में ही होगा, ये कुछ अभी कन्फर्मेंस नहीं है इमोट का कि ये इमोट कहाँ होने वाला है, पर इतना हम ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये इमोट रॉयल पास। उसके बाद ये वीडियो देखो गाइस। जैसा कि तुम लोगों ने अभी एक और मैं तुम लोगों को ट्रेलर दिखाया, मैंने दो वीडियो ऑलरेडी इसमें कंबाइन कर दिया है। सो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो क्यों बनाऊं इसके लिए, सो वीडियो थोड़ा लंबा है गाइस प्लीज़ देखना जरूर कंफर्म। जैसा कि तुम लोगों ने देखा अभी ट्रेलर, ये कुछ ड्रेसेस है जो सेट्स है जो कि निकल के आया है और ये होने वाले हैं भाई क्रेट ओपनिंग में। तुम लोगों को बता दूँ ये आने वाले हैं क्रेट ओपनिंग में, इसका कुछ कन्फर्मेंस नहीं है कि ये आएंगे रॉयल पास में ही, पर ये आने वाले क्रेट ओपनिंग में। ये भी हम बोल सकते हैं कि रॉयल पास में भी आ सकते हैं क्रेट ओपनिंग में भी आ सकते। सो ये ड्रेसेस देखो, ये जो एस जो कि हम कार्ड्स खेलते हैं एस के, सबसे पहले ये बाइक का स्किन देखो भाई क्या ओपी बाइक का स्किन है ये। मतलब ये बाइक का स्किन एक आया था जो कि मुझे याद है जोकर वाला, और उसके बाद ये सेकंड आ रहा और ये बाइक का ओपी लगा। ये जो है ना बाइक का स्किन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये AKM का स्किन देखो, फुल भाई फुल मॉडिफाइड AKM है, मतलब क्या एकदम पबजी पागल हो गया है।
क्या दे रहा है उन लोगों को कुछ पता नहीं भाई, कते हार्ड चीज है ये। मतलब इसके पास ये बैकपैक तो देखो, बैकपैक देखो भाई, बैकपैक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबका बैकपैक देखो। ये देखो लेवल 1, अभी लेवल 2 का बैकपैक देखो, लौंडा पीछे लटका हुआ है अपने भाई। और उसके बाद ये देखो लेवल 3, ओ भाई भाई लौंडा मॉडिफाई हो गया बैक के पीछे वाला, कते हार्ड देख रहा लौंडा। उसके बाद ये बैक का स्किन देगा उसके, ये सेम वही बैक का स्किन जो नॉर्मली है, फिर से एक बार देख लो ये नॉर्मल है, ये लेवल 2 का है। और उसके बाद अब लेवल 3 देख लो, ये लेवल 3 है कते, ये भी अच्छा है बैक का स्किन और अच्छा लगा मुझे ये बैक का स्किन। उसके बाद ये पैन का स्किन देख लो, पैन के स्किन के पीछे जोकर बना हुआ है वही, ऑब्वियसली सब जानते हैं पत्तों का जब ये कॉन्सेप्ट है तो कार्ड तो ये तो रहेगा ही। और उसके बाद जो हमने देखा उसने जो लड़की सामने वाले को अपोनेंट को किस करती है, ये उसका कुछ हेड है एंड उसका मास्क है। उसके बाद ये जोकर ऑफ स्पेड का हेड तो सर ये मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, ठीक है ये डरावना काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद कैंपर का स्किन, ये ऑलरेडी ये कैंपर का स्किन इसमें आया था पर ये सेकंड टाइप का, वो जो फर्स्ट आया था वो जॉकर का मॉडिफाई था, उसको मॉडिफाई कर सकते थे पर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये नॉर्मल दिखने वाला है। ये भी सही है कैंपर का भी स्किन, कैंपर का स्किन इसको नहीं चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो उस लड़की का मैंने आपको हेड दिखाया उसका ड्रेस सेट है, आप उसका हेड पूरा सेट देख लो कैसा होने वाला है उसका। ये ऊपर का उसका हेड है जो कि है क्वीन, ये क्वीन का सेट है और ये पूरा उसका ड्रेस सेट है जो कि लड़कियों के लिए। उसके बाद ये जोकर ऑफ स्पेड्स का ये पूरा सेट है भाई, कतई डरावना, मुझे काफ़ी पसंद आया। तुम लोग को अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे।